हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ टमाटर का परांठा और मक्खन चटनी के साथ। आप भी देखिए। अब हम परांठे की तैयारी करेंगे। उसमें एक हरी मिर्च, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, और नमक इसी में डाल देंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच, अब इसमें हम टमाटर काटेंगे। दो कटोरी आटे में चार टमाटर, इसे हम काट कर पीस लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं टमाटर को। अब हम टमाटर के पेस्ट से ही आटा गूंद लेंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आटे में थोड़ी पानी की ज़रूरत है तो डाल सकते हो, नहीं तो इसी में गुन जाएगा। आटा गूंद के तैयार हो गया, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। इसका कलर भी देखो कितना चेंज हुआ है। अब हम इसके परांठे बनाएंगे। हमारा तवा पहले से गर्म है। ये देखो दोस्तों, अब हम परांठा बनाने जा रहे हैं। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं। दोस्तों आप इसे रिफाइंड या घी किसी भी चीज़ से सेक सकते हैं या तल सकते हैं। हमारा ये परांठा तैयार हो गया है। इसी तरह अब हम सारे परांठे बना लेंगे।
फिर आपको दिखाते हैं सर्व करके। हमारा नाश्ता तैयार है, आप भी इंजॉय कीजिए।